एंड डिजीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज एंड डिटरमिनेंट ऑफ डिजीज। आज हम बात करेंगे एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या होता है एपिडेमियोलॉजी का, तो लिखा है टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। इसके अंतर्गत ये स्टडी करते हैं कि डिजीज के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन की बीमारी किस तरह की है और किस साइज की बीमारी है और मतलब पॉपुलेशन के अंदर किसमें हो सकता है, कैसे फैलेगा, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। एंड टू आइडेंटिफाई एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द कॉजन ऑफ डिजीज, और उसके फैक्टर्स जो है घटक क्या हैं और उसके बारे में क्या सावधानी ले सकते हैं बीमारी के बारे में, ये इसके अंतर्गत प्रवृत्ति हैं। टू प्रोवाइड द डाटा रिक्वायर फॉर द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बारे में डाटा और उसकी प्लानिंग क्या है इसके बारे में हम जो है अध्ययन करते हैं, ये इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ यूज क्या होता है एपिडेमियोलॉजी का, टू स्टडी द हेल्थ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर डिजीज ट्रेंड्स। इसमें क्या करते हैं कि जो जहां भी पॉपुलेशन जहां की है उसके बारे में स्टडी करते हैं कि जैसे टेम्परेचर के हिसाब से कोई बीमारी होती है या ह्यूमिडिटी है, जैसे कॉलरा हो जाता है जहां गर्मी है, जैसे इंडिया के कुछ क्षेत्र बहुत गर्म है वहां गर्मी होती है, कुछ क्षेत्र बहुत ठंडे हैं जैसे शिमला है, हिमाचल है, कुल्लू है, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे कफ होता है, कोल्ड थ्रॉट इन्फेक्शन है, गले में खराश है, इस तरह की बीमारी होती है। तो इस तरह की जो है पॉपुलेशन और एरिया के वाइज स्टडी करते हैं। दिस हेल्प्स इन द आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रोग्राम, और उसको हेल्प करता है टू अराइव एट द कम्युनिटी डायग्नोसिस, और इसको कहते हैं कम्युनिटी का डायग्नोसिस करते हैं वहां पहुंच के। दिस इज नेसेसरी फॉर आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर्स, और ये क्या होता है इससे जो है बहुत हेल्प मिलती है रोकने को और उसका जो है कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। टू प्लान एंड इवेल्युएट द हेल्थ सर्विसेज, और इसका जो है प्लान करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है हेल्थ सर्विसेज के बारे में। और फोर्थ नंबर है इवेल्युएशन ऑफ रिस्क एंड चेंजेस ऑफ सिंगल इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल रिस्क ऑफ बियरिंग ए मोंगल चाइल्ड, है ना। सपोज दैट किसी को जो है किसी बच्चे को अब नॉर्मलिटी हो गई है या किसी और को ना हो तो उसके क्या प्रिकॉशन है, क्या है, और उसके उसी को क्यों हुआ है तो उसके मदर फादर के क्या है, वो स्टडी करते हैं। फिर क्या है सर्चिंग फॉर काज एंड रिस्क फैक्टर, एग्जाम्पल स्मोकिंग एज एंड लंग कैंसर, और किसी को कैंसर है तो वहाँ पे वो स्मोकिंग करता है, वहाँ के लोग और कितने हो सकता है उसको, तो उसको हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना है, इससे लंग कैंसर हो सकता है, इस तरह की जो है हम इसका उद्देश्य है एटियोलॉजी का वो। एंड आइडेंटिफाइंग द डिजीज सिंड्रोम्स, और उसको जो बीमारी होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एसोसिएशन आयरन डिफिशेंसी एनीमिया है सपोज दैट जिस क्षेत्र में होती है, एंड पैटर्न किल सिंड्रोम, और एक तरह का ये है पैटर्सन किलिंग सिंड्रोम होता है, इस बारे में जहाँ पे होता है वहाँ अवेयरनेस फैलाते हैं और वहाँ के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए बोलते हैं और आयरन डिफिशेंसी की टैबलेट वगैरह खाने की बात करते हैं। मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी, फिर साथ ही साथ अब ये नेक्स्ट टॉपिक है इसी का कि इसके मैथड क्या है। तो टाइप ऑफ मैथड, तो क्या है फोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड स्टडीज आर फॉलोड एपिडेमियोलॉजी देयर आर। एक तो है क्वांटिटेटिव स्टडीज, क्वांटिटेटिव स्टडी में साथियों क्या होता है कि ये हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे, साथियों हम विस्तार में पढ़ेंगे, इसमें रेट रेशियो और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि रेट क्या है, रेशियो क्या है और उसका डेथ रेट क्या है, तो इसका एक फार्मूला होता है। फिर रेशियो क्या है उसका भी एक फार्मूला होता है, और पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं उसका भी एक फार्मूला होता है। साथ में डिस्क्रिप्टिव स्टडी, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में कहता है हु वेयर व्हेन, कब कहाँ कैसे क्या हुआ था, और फिर उसके बाद एनालिटिकल स्टडी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, एंड फोर्थ इज एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशन स्टडीज। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड टाइप ऑफ मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। साथियों किसी तरह की क्वेरी होती है आप हमें जरूर क्वेश्चन करें, हम उसका जवाब देंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, नमस्कार।